हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लोकेशन वेरीफाई वाली आईडी हमें बनाना सिखा दें, ठीक है। तो ये आज की जो वीडियो है ये इसी के ऊपर होने वाली है कि आपने लोकेशन वेरीफाई कैसे करनी है अपनी यूएस की, ठीक है। आपने एक जीमेल बनाना है, उसके बाद फेसबुक में आईडी कैसे बनानी है, कैसे लॉगिन करनी है, ठीक है। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर में आके आपने पहले तो एक फेसबुक यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, या फेसबुक लाइट मैंने इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद दूसरा आपने फ्रीज़र ऐप इंस्टॉल करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप करें ना करें ये रहा, ठीक है। इसमें से आपने देख लेना, ये देखें, ये 1 मिलियन इसके डाउनलोडर हैं, एक इसके 1 मिलियन डाउनलोडर हैं, ये आपकी मर्ज़ी है इंस्टॉल करें ना करें, ठीक है। ये दो, और तीसरा आपको चाहिए होगा एक वीपीएन। वीपीएन हम पेड वाला यूज़ कर रहे हैं, सर्फ शार्क ना के नाम से ये, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, ये गूगल से डाउनलोड हो जाता है। तो इसका क्रेडिट मैं वकास भाई को देना चाहूँगा, जो हमारे ग्रुप के एडमिन भी हैं, तो उन्होंने ये मुझे इसका लॉगिन दिया है। हम पेड वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने फ्री में जाना है तो फ्री वाले वीपीएन के नाम बता देता हूँ मैं। एक नॉर्ड वीपीएन है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है प्रोटोन। ये देखें, दूसरा ये प्रोटोन वीपीएन आ गया, और तीसरा हम यूज़ कर लेंगे अर्बन वीपीएन। अर्बन वीपीएन, ठीक है, ये रहा अर्बन वीपीएन। तो ये 3 वीपीएन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें एक वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी, वीपीएन हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसके बाद एक फेसबुक की ज़रूरत पड़ेगी, एक फ्रीज़र ऐप, वो मर्जी है। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, वीपीएन कनेक्ट करने से पहले अपनी आईडी एक लॉगिन कर लेनी है इसके अंदर, ठीक है। हम ये आईडी को इसलिए लॉगिन कर रहे हैं ताकि हम इसको स्विच कर सकेंगे बाद में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जीमेल क्रिएट करना है। जीमेल के लिए क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। ये केयरफुली आप लोगों ने और सारे स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ से मैं जाऊँगा ऐड अनदर अकाउंट। अभी हमारा वीपीएन कनेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम एक जीमेल क्रिएट करेंगे अपना, ठीक है। सारे स्टॉप को फॉलो करना है, फिर मैं आपको एंड बताऊंगा कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ क्रिएट अकाउंट, वकाश शमशाद, यहाँ पे मैं डालता हूँ Feb 14, 1996, मेल कंटिन्यू। यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, वकाश शमशाद 502, ठीक हो गया। यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं हम। और यहाँ से अगेन ओके। मोबाइल से बनाने का ये फायदा होता है, ये नंबर नहीं मांगता है, ठीक है। देखें, बिना कोई नंबर मांगे ये बन गया। ये बन गया, अभी यहाँ से हम इसको ऊपर लेकर आ जाते हैं। ये रहा वकाश शमशाद 502। ठीक हो गया, ये आईडी को मैं देख लेता हूँ एक बार। वकाश शमशाद 502, ठीक है। अब हम इसको ज़रा जीमेल पे जाएंगे, ये हमारा जीमेल है। यहाँ से भी इसको ऊपर कर देते हैं ताकि वेरीफाई कर सकें हम इसको जब फेसबुक पे लॉगिन करेंगे। कुछ वीपीएन की सेटिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये पेड वीपीएन की जो अगर यूज़ करना चाहे, ठीक है। ये आपको बाय करना पड़ेगा, तो ये आपको $60 तक का पड़ेगा। बाकी जो बाय कर सकता है वो 1-2 साल के लिए होता है ये, पर आप अगर फ्री जो है यूज़ करना चाहते हैं तो मैं बता चुका हूँ। और किसी को 1 मंथ का बाय करना है तो ये आपको $12 का पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, हमारा यहाँ पे ये आ गया, जीमेल लॉगिन हो गया, ठीक है।
अब हमने वीपीएन में जाना है। ये हमारा वीपीएन है सर्फ शार्क के नाम से। अब इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हमारा वीपीएन खुल गया है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे लोकेशन पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ से हम स्टैटिक आईपी पे ओके करेंगे। और यहाँ से हमने कोई सी भी एक यूएस की लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये थोड़ा मोबाइल हैंग हो रहा है। ये देखें यहाँ स्टार बना हुआ है ना, यहाँ से आपने किसी को भी मार्क कर लिया ना यूनाइटेड स्टेट को। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी एक मार्क किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे ये मार्क हुआ हुआ है। अब हमने जाना है सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद हमें आना है वीपीएन की सेटिंग में। यहाँ ओके करेंगे। ये देखें यहाँ पे आ गया। इसको हमने नहीं छेड़ना है, हमने सीधा जाना है एडवांस सेटिंग। और यहाँ से हमने अपना जीपीएस, ये देखें ये भी मेरा ऑन हुआ हुआ है ना, इस जीपीएस को ऑन करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब भी अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, मतलब आप जो है कराची में बैठ के इस वीपीएन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका जीपीएस को जो है वहाँ पे कन्वर्ट कर देगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगर आपने वीपीएन न्यूयॉर्क का कनेक्ट किया है, इसका ये फ़ायदा होता है, मतलब आपकी ये लोकेशन को बाईपास कर देता है ये। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जाके, ये अभी तो मेरा ऑन हुआ हुआ है पर ये आपका ऑफ होगा ऐसे करके। ठीक है, तो आपने इसको ऑन करने के लिए क्या करना है, सेटिंग में आएंगे आप, उसके बाद माय फोन में जाएंगे। किसी में माय फोन होता है, किसी में अबाउट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना है ये डिवेलपर वाले ऑप्शन में। ठीक है, इसके लिए आपने इसको ऑन कैसे करना है, ये अबाउट फोन में जाएंगे आप, और ये देखें यहाँ बिल्ड नंबर आ रहा है, इस पर आप टैप करते रहेंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। 7 से 8 बार टैप करना है, ऑन हो जाता है ये। उसके बाद हम डिवेलपर मोड पे ऑन जाएंगे, इसको ऑन कर देंगे। और यहाँ से हमने एक देखना है मॉक लोकेशन। ये देखें सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप पे जाना है, इस पर ओके करना है और यहाँ से सर्फ शार्क सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको करने के बाद हम वापस से अपने इस पे आएंगे और यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, तो ये लोकेशन हमारी ऑन हो गई यहाँ से। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया है। उसके बाद हमने जाना है गूगल पे। अब यहाँ से हमने आईडी को चेक करनी है अपनी। पहले हम ज़रा वीपीएन कनेक्ट कर लें अपना, बाकी बैकग्राउंड के मैप बंद कर देता हूँ। यहाँ से हम वीपीएन पे जाएंगे। ये हमने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया, अब इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा वीपीएन कनेक्ट हो गया है। अब हमने जाना है गूगल और HOWHOER.net। ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है, ये अभी 90% बताएगा। एंड्रॉयड है, ये हमारी आईपी आ गई है और नीचे से हम इसको देख लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स रीजन न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क, ये जिप कोड आ गया, ये सब चीज़ें हो गई हैं। और हम इसका टाइम जोन चेक कर लेते हैं। ये देखें इसका जो अमेरिकन टाइम जोन आ रहा है, पाकिस्तान का आ रहा है GMT+0500 और न्यूयॉर्क का आ रहा है GMT-0400। ठीक है, तो हमने इसको 100% करना है। ठीक है, अब ये देखें 85% है, तो इसके लिए हम वापस से जाएंगे सेटिंग में। अरे अच्छा, हाँ ये रहा GMT। ठीक है, यहाँ से हमने इसको बंद करना है ऑटोमेटिक टाइम जोन को, और इसको ही बंद करेंगे और यहाँ से हम इसका टाइम चेंज करेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये प्लस है, -04 कहाँ आ रहा है, ये -0
-04 ही है ना। -0400 -0400 GMT, ठीक है ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और अब हम जाएंगे इस वेबसाइट पे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। ठीक है अब इसको चेक करते हैं ये 100% होता है या नहीं। ये अभी भी 90% हुआ है, यहाँ कोई इशू चल रहा है टाइमिंग का। अमेरिका न्यूयॉर्क 0400। नीचे कहीं आ रहा हो 04 माइनस में। इसको आपने ध्यान से सिलेक्ट करना है, ध्यान से, ठीक है, क्योंकि आपने टाइमिंग मिलानी है। ग्रेसस चेक कर लेते हैं शायद इससे हो जाए। 10:27 बता रहा है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। चलो ये 90% है, ये मेरे में जो है ना वाशिंगटन शो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर वाशिंगटन शो हो जाता ना तो ये कंप्लीट शो हो जाता। सही है, यहाँ तक का हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, हमने जीमेल में क्या बनाई थी देख लेते हैं एक बार। वकाश शमशाद 502, ठीक है। तो अभी हम अपनी फेसबुक आईडी बना लेंगे इस पे। तो हम अपने फेसबुक पे चलते हैं और यहाँ से इसको करेंगे लॉग आउट। ये हमने एक आईडी पहले से रखी है ताकि हम इसको स्विच कर सकें। ये आईडी लॉग आउट हो गई है। ये थोड़ा सा इंटरनेट इशू कर रहा है या ये मोबाइल इशू कर रहा है समझ नहीं आ रहा, ठीक है। खैर अभी हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं अपना, आईडी हम सिलेक्ट करेंगे ये सबसे नीचे वाली, नेक्स्ट बटते यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हम FAB14 और 1996। सेट, उसके बाद कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ से करेंगे मेल नेक्स्ट, यहाँ से हम साइन अप विद ईमेल करेंगे। यहाँ से हम अभी वाला डाल देंगे वकास शमशाद 502@gmail.com। उसके बाद यहाँ से रख लेंगे हम अपना पासवर्ड। उसके बाद कर देंगे नेक्स्ट और यहाँ पे कर लेंगे सेव, ठीक है, आई एग्री। और ये देखें बिना किसी उसके
यहाँ पे हम न्यू अकाउंट बना रहे हैं अपना, ठीक है। जो लोग बोलते हैं नहीं बनता, तो भाई ये लाइफ चल रहा है, अभी देख लें आप, ठीक है। ये देखिए हमारा अकाउंट यहाँ बन चुका है, इसको हम स्किप करेंगे। नॉट नाउ, नेक्स्ट। ये हमारा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले इस पे जाना है, एडिट प्रोफाइल। यहाँ से हम कोई भी तस्वीर लगा देंगे, ठीक है। अभी मैं अपनी तस्वीर ही लगा देता हूँ यहाँ पे। अभी हम ऐसी लगा रहे हैं, बाद में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से सेव करेंगे। ऐड कवर फोटो पे जाएंगे, यहां से इसी को लगा देते हैं। यहाँ बायो में लिख देंगे कुछ भी, नेवर गिव अप, सेव। करंट सिटी, सिटी में जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। ये आ गया न्यूयॉर्क। उसके बाद चलेंगे होम टाउन, इधर भी लिख देंगे न्यूयॉर्क। यहाँ प्यारा रिलेशन, सिंगल, सेव। और इसको कर देंगे सेव, ठीक है। उसके बाद ये हमारा यहाँ से अपडेट हो चुका है। यहाँ से हम इसको ओके करेंगे और यहाँ से कर देंगे पब्लिक। डन हो गया। अब यहाँ से हमने इसको करना है चेक इन। ये देखें जैसे हमने करा है, यहाँ पे खुद ही लोकेशन बता रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये चेक इन कर देना है इसको। ये हमारी लोकेशन यहाँ से चेक इन हो गई है। ये मार्केट प्लेस आ रहा है, देखें यहाँ पे भी ये चेक इन हुआ हुआ है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें डेली इसको जो है 2 से 3 घंटे इसको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद फ्रीज़र है, आप इंस्टॉल करके रखेंगे तो वहाँ से आप इसको फ्रीज़ कर दें, तो वो भी सही है। और अगर फ्रीज़ नहीं करना चाहते, ये आपके सामने देखें लाइव अकाउंट बना के दिखा दिया मैंने, जो कहते हैं कि नहीं बनता, ये मेरा आपके सामने, मेरे अपने नाम से मेरा अकाउंट बन गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आना है और यहाँ से इस अकाउंट को कर देना स्विच। अब क्या हो गया, पिछला वाला अकाउंट मेरा बंद हो गया और ये अकाउंट चालू हो गया, ठीक है। अब इसको स्विच करने के बाद हमने इसको यहाँ से ऑफ करना है। वैसे इसकी भी लाइव लोकेशन चेक कर लेते हम लोग,
वैसे इस पे तो कराची हुआ हुआ है, ठीक है, बट हम ट्राई करेंगे इसका लोकेशन भी वेरीफाई हो जाए। इसको भी मैं चेक इन कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपने डेली इसको यूज़ करना है 3-4 दिन तक, तो आपने सिर्फ इसको चेक इन करना है, ठीक है। डेली आप इसको जब भी लॉग इन करेंगे इसको चेक इन करके वापस बंद कर देंगे, और 3-4 दिन के बाद इसमें पोस्टें लाइक करना शुरू कर दें, ग्रुप ज्वाइन करना शुरू कर दें, किसी को रिक्वेस्ट भेजना चाहें तो रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको पूरा कंप्लीट मेथड समझ में आ गया होगा, और कोई सवाल हो तो आपसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।